भागलपुर जिले के थाना बीपुर प्रखंड के हरियो गांव में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद महिला की तार खगड़िया जिले से जुड़े रहने के लेकर खगड़िया जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज महिला के मायके शैदा बंदी जाकर उनके सगे संबंधियों एवं महिला किन किन लोगों के संपर्क में रही है इसे लेकर इतिहास का पता लगाना शुरू कर दिया है। इस दौरान महिला के मायके कि लगभग 11 लोगों को खगड़िया जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कोरोना की जांच का सैंपल लिया गया और आइसोलेट में तत्काल रखा गया है। जिन लोगों का सैंपल लिया गया है वो महिला के मायके से हैं। वहीं बताया जा रहा है कि महिला लॉकडाउन से पहले मायके आई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महिला के मायके के लोग भी महिला से मिलने तथा बेपुर प्रखंड के हरियो गाँव गए थे। इसी हालात को देखते हुए जिला समाहरणालय कक्ष में जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रिपोर्ट आने के बाद पुनः पुष्टि की जाएगी, रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव ये रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने शहरवासियों से अपील की है कि अति आवश्यक कार्य से ही निकलें, जैसे मेडिकल, दूध, सब्जी, राशन के लिए जो छूट दी गई है उनका अनावश्यक फायदा न उठाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। खगड़िया से रवि कुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया। इनके आधार पर बन्नी पंचायत में है जहाँ पर ये अपने इनके माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। अभी वर्तमान में आज सुबह हम लोगों ने वहाँ पर अपनी टीम भेजी है। टीम भेजने के उपरांत वहाँ पर इनके परिवार के इनके पिता, इनके भाई, इनकी बहन एवं इनके चाचा चाची को हम लोगों ने सैम्पलिंग के लिए यहाँ पर लाया है। साथ ही साथ जो टेम्पो चालक थे जो इनको लेकर भागलपुर गए थे, इनको और इनकी माताजी को, वो दोनों ही अभी भागलपुर में हैं। तो टेम्पो चालक और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य इनको भी हम लोग यहाँ पर आज सैम्पलिंग के लिए लाए हैं, क्योंकि ये उनके संपर्क में रहे थे तो काफ़ी प्रबल संभावना है कि यदि वो महिला संक्रमित उस समय थी या रही होंगी तो इनमें भी संक्रमण की संभावना हो सकती है। तो इसको नेगेट करने के लिए अभी सैंपल का कलेक्शन कराया जा रहा है। सैंपल जिनको कि क्वारंटाइन सेंटर्स में रख कर उनको मुक्त किया जा चुका है और 57 लोग हैं जो अभी होम क्वारंटाइन में हैं। कुल 65 जो विदेशी यात्री थे जो आए थे, इन सबों ने अब तक जो 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड है उसको प्राप्त कर लिया, पूर्ण कर लिया है और अधिकांश लोगों द्वारा 28 दिन का पीरियड भी पूर्ण कर लिया गया। प्रचार प्रसार हेतु क्योंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है तो ऐसा देखा जा रहा है कि कई जगहों से और छोटे मोटे रास्तों से, मुख्य मार्गों से ना होकर खेत के माध्यम से या अन्य रास्तों से ट्रक में छिपकर कई लोग आने का प्रयास या प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जैसे हम लोग को सूचना प्राप्त होती है हम लोग तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको लेकर आते हैं अपने क्वारंटीन सेंटर। साथ ही साथ गाँव से भी लोग हमको सूचना दे रहे हैं कि कुछ लोग साइकिल से आ गए हैं, कुछ लोग पैदल आ गए हैं, कुछ लोग ठेला से आ गए हैं, वो किस रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं इसको निश्चित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो लोग अलग अलग तरीके का कार्रवाई है ये बताने के लिए कि अब क्योंकि बहुत ही क्रूशियल फेज में हम लोग घुस गए हैं। और जैसा कि आप लोग अवगत होंगे कि लास्ट 3-4 दिनों में एक बड़ी संख्या में इजाफा संक्रमित लोगों का हुआ है, उसकी संख्या बढ़ी है। तो अब हम दर्ज किए जा चुके हैं और कुल 109 गिरफ्तारियाँ की गई हैं जिसमें कि अधिकांशतः निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं जो कि लॉकडाउन वायलेशन के क्रम में किया गया है। कुल 24 वाहन जब्त किए गए हैं विभिन्न कांडों में और 2144 वाहनों पर कुल 22,37,000 की राशि जो है जुर्माना के तौर पर वसूली गई है। बॉर्डर सीलिंग पॉइंट जो 8 हैं मुख्य रूप से वो 24 घंटे कार्यरत हैं। 3 शिफ्ट में वहां मैजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी विभिन्न चेक पोस्ट पे हम लोग पुलिस बल और मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करके उसकी जांच कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले से देखा था, जो शिफ्टिंग है उस चीज़ को लेकर हो या जो कर्मी कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी या बैंक कर्मी हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, या कुछ लोग हैं जो सब्ज़ी खरीदने निकले हुए हैं, कुछ लोग मेडिसिन परचेज करने के लिए निकले हुए हैं, तो लॉकडाउन का वायलेशन तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन जो रियायत दी गई है उसको लेकर डेफिनेटली वाहनों की संख्या में अभी वृद्धि हुई है जो सड़कों पर चल रहे हैं। हमारा अनुरोध यही है लोगों से कि अनावश्यक घर से ना निकलें और
जो दवा खरीदने के लिए जो छूट दी गई है या फल या सब्जियां और दूध खरीदने के लिए जो छूट दी गई है उसका अनावश्यक उपयोग ना करें, उसको बाहर निकलने के लिए पास के रूप में उपयोग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।